कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। क्रिकेट जगत भी इससे अछूता नहीं दिख रहा। हाल ही में इंग्लैंड की टीम ने इससे बचने के लिए अपने श्रीलंकाई दौरे में वर्षों पुरानी हाथ मिलाने की परंपरा को खत्म करने का ऐलान किया था। इस लिस्ट में नेपाल क्रिकेट बोर्ड भी शामिल हो गया है। दरअसल नेपाल में एक T20 टूर्नामेंट का आयोजन होना था, जिसे बोर्ड ने रद्द कर दिया है। नेपाल पहली बार अपने देश में एक T20 लीग का आयोजन कर रहा था, जिसका नाम एवरेस्ट प्रीमियर लीग EPL था। इसकी शुरुआत 14 मार्च को होनी थी। इसमें कई बड़े खिलाड़ियों का नाम शामिल था। धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल, घरेलू खिलाड़ी स्टार स्पिनर संदीप लामिछाने और मोहम्मद शहजाद जैसे खिलाड़ी इस लीग में शामिल होने थे। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की नज़र में कोरोना वायरस का एक मामला सामने आया है, जिसकी शिनाख्त कर ली गई है। अभी तक सिर्फ एक ही कोरोना पीड़ित व्यक्ति पाया गया है। यह खतरा और न बढ़े, इसे देखते हुए नेपाल बोर्ड ने इस लीग को आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए बने रहें हमारे साथ इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।